जिला होशियारपुर के कस्बा सैला में इलाके के लोगों की ओर से कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान अवतार सिंह की अगुवाई के तले इलाके में खुले अवैध शराब के ठेकों के खिलाफ नारेबाजी की गई और मांग की गई कि अगर ये अवैध शराब के ठेके 10 दिन के भीतर उठाए न गए तो वह अपना संघर्ष और तेज कर देंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इन ठेकों की वजह से काफी नुकसान होता है तथा इन्हें हटाया जाना चाहिए। वहीं इस मौके पर प्रेसिडेंट अवतार सिंह ने कहा कि इस बारे में कई बार अधिकारियों को कहा जा चुका है लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। जिन्ना भी मतलब ये नजायज जिहड़ा ठेका हैगा आ सरकार नूं महीने का साल का पता नहीं किन्ना का लॉस हो रहा किन्ना का घाटा पै रहा किन्ना मैं ये नहीं पता लगता भी यह की मतलब हो रहा। सानू थोड़े दिन पहला पता लगा भी हैगा इलैक्शन चलती सी इलैक्शन के बिजी सके तो इलैक्शन तो बाद असी पहले ही कदम यह चक्या कि साड़ी जिहड़ी सरकार आ कांग्रेस पार्टी कि उन्होंने लॉस ना हो पता अनलीगल इन्होंने किस तरीके की कर रहे हैं नहीं जी सू बारे नहीं। अच्छा तो इस ठेके के मालिक कौन ने? बिमल सर। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਬਦਲੀ ਕਰਤੀ ਉੱਧਰ ਬਿਠਾਲਤਾ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਬਿਠਾਲਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਠੇਕਾ ਵੀ ਲੀਗਲ ਹੈ ਇਨਲੀਗਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋ ਠੇਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਟਵਾ ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਠੇਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੋਟ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ 14L1 ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਆ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇ ਆ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਜਾਗਤੀ ਲਹਿਰ ਕੇ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੇ ਦਲਜੀਤ ਅਜਨੋਹਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।